लिजर्ड पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार कक्ष में बृहस्पतिवार को एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की पुलिस लाइन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जनपद में थानों के सभी बाल कल्याण अधिकारियों को बच्चों से संबंधित हर केस की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के मामले डील करते समय सादा वर्दी में रहें, बच्चों को हथकड़ी या बेड़ी ना लगाएं, उम्र सही दर्ज करें। इस दौरान बैठक में मानव तस्करी निरोधक शाखा, गुमशुदा प्रकोष्ठ, आशा ज्योति केंद्र, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, विशेष किशोर पुलिस इकाई सहित अन्य विभागीय पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, आगे से डीसी आप मीटिंग में आएंगे, इसको लेके आएंगे और इसको हम आपके लिए मौका देते हैं, परसों पुट अप करिएगा। कल डीसी आके अपना कंपाइन कर ले और परसों पुट अप करें हमारे सामने कि कितने हैं उनके अकाउंट में और कौन दाना कौन देता डीसी आर्मी में इसको। जटाशंकर प्रभारी आरक्षी कौन देखता है ये मुझे नहीं जानकारी सर, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन आदमी क्या काम करता है। डी सी आर में कोई बैठा है क्या? हाँ बी एस एस से एजुकेशन डिपार्टमेंट से है कुछ अपडेट उन छः बता की तरफ से। सी डब्ल्यू सी के समा सी डब्ल्यू सी से एक चाहे तो अलग से नीचे इंडेक्स भी जा सकती है, एक नीचे से आपका नीचे हो सकता है लखनऊ गए हों तो कोई आदमी नहीं रिप्रेजेंट करने वाला, दे आर रावत फेलो ऑफिसर्स बट देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेटिव। तो से संदर्भित पत्र था जिसमें एसटी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की योजनाओं का वर्णन किया गया था और इस संबंध में एसटी प्रभारी द्वारा सूचित किया गया है कि अनुदान आ गया है और एसटीयू को सुदृढ़ कराया जा रहा है। एजेंडा था बाल आश्रय गृहों में क्षमता के सापेक्ष आवासित बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई थी और इसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा भी बताया गया था कि आवासित बच्चों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संस्थाओं को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है कि वे बच्चों का उचित देखरेख और संरक्षण प्रदान कराएं। कोविड-19 के संक्रमण काल को दृष्टिगत कर आश्रय गृहों में आवासित बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के प्रति अधिक सतर्कता बरती जा रही है। इसमें भी लोग मीटिंग में लगभग बिना मास्क लगाए हुए बैठे हुए हैं जबकि कोरोना अभी मैंने भी नहीं लगाया है जबकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इस बात को कहने का आशय ये है कि हम जहाँ की बात कर रहे हैं उसकी चिल्ड्रन होम्स की बात कर रहे हैं, शेल्टर होम्स की बात कर रहे हैं तो वो लोग एक ही कैंपस में एक ही हॉल में रहते होंगे, कहते बेड पड़े होंगे तो दे आर इन क्लोज कैंपस, फिर वहाँ पे उतनी अच्छी सिविल फैसिलिटीज नहीं होंगी जितनी अच्छी हम लोग नॉर्मली जो इंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोविड के संबंध में सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता और जागरूकता की भी आवश्यकता है उसके लिए। तो अभी कोरोना को समाप्त ना माना जाए क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी कोरोना की केसेस इसको एजेंडे में शामिल कर लीजिएगा और ज़्यादा, क्योंकि जैसे कोरोना के केसेस अभी महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और हरियाणा पंजाब केरला में बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इस विषय में और ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। तो सारे शेल्टर होम्स के जो भी प्रभारी हैं उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसके लिए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सावधानी आवश्यक हो रही है। तो सी करती है तो जे जे वही चीज करेगा सी तो अभी 16 में 9 आ गए हैं उठाया इशू क्या हम इसके लिए जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसी टाइम से देने दिया तब तक SBR आ जाना चाहिए हमारे। एक्चुअली सर SBR फर्स्ट प्रोडक्शन में आना चाहिए, फर्स्ट प्रोडक्शन में आना चाहिए। तो अगर मान लो प्रोडक्शन में नहीं आता यू इमीडिएटली कमेंट द ग्रुप और ज़्यादा उसको संज्ञान आकर्षित करने के लिए आप मेरे को मेंशन करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे लिए ऐसा करना पड़ेगा।
कैंडिडेट है। दूसरा ये कि गोरखपुर जनपद इज लीडिंग, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 16 में से 9 में आई, बट एटलीस्ट हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इस सब के लिए SBR भेजने के लिए आप ही लोग जिम्मेदार हैं, जो हमारे बंदी पहले फौज बैठी हुई है, आप ही लोग जिम्मेदार हैं, ये पूरी टीम ही जिम्मेदार है। तो एक अच्छा कार्य हो रहा है, तो क्यों ना हम सब लोग गोरखपुर जनपद के लिए, गोरखपुर पुलिस के लिए एक बार क्लैप करें। यू ऑल आर डूइंग गुड वर्क, उसको और सेंसिटाइज होने की जरूरत है। मैंने इससे पहले बीच में टोका इसीलिए था कि मुझे इसी विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना था कि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। तो इसको आप लोगों के बिहाफ पे मैं इस मीटिंग में कमेंट कर सकता हूँ, जो और अच्छा करेंगे करेंगे ना। आप ले लीजिए, हमारी तरफ से कोई अगर ढील होती है तो आप उसको दूर करेंगे। हाँ तो उसको सर समय से कर 11-12 बजे पहुँच जाएगा, तो उस दिन हो जाएगी 2 बजे वो आपको चले जाते हैं सर। ये जनपद गोरखपुर की ये मासिक समीक्षा मीटिंग है, जो कि SGPU और ASTU की मासिक समीक्षा है। इसमें हमारे जो माइनर बच्चे हैं, बच्चों के उनके कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर यहाँ सारगर्भित मासिक मीटिंग होती है। जैसे कि बच्चों जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको छुड़ाना, या जो मजदूरी में लगे हुए हैं चाइल्ड लेबर, उनके लिए रिलीज कराना, और उनके लिए आश्रय स्थल में रखना, जो डिस्टिट्यूट बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था करना, मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं, बाल अधिकार, सभी को संरक्षण करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी मासिक समीक्षा मीटिंग जो है प्रतिमा करते हैं, उसी कड़ी में ये मीटिंग थी। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने, जनपद गोरखपुर के सभी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और बच्चों के कल्याण से संबंधित चर्चा की गई। सर उन उच्च अधिकारियों से या शासन से भी कोई निर्देश प्राप्त हुए थे जिससे इनको अवगत कराया गया? शासन से जो निर्देश प्राप्त होते हैं JJ एक्ट के अंतर्गत, या फिर पुलिस मुख्यालय से जो हमारे लिए निर्देश प्राप्त होते हैं, उन सभी का अनुपालन जो है कड़ाई से संबंधित विभाग सभी लोग कर रहे हैं। और जनवरी माह में हमने भिक्षावृत्ति से कितने बच्चे रिकवर किए? 12 बच्चे भी रिकवर किए हैं, और उन बच्चों को रिकवर करके उनके संबंधित स्थानों पर भिजवाया गया। और जिन बच्चों को कोई लेने वाला नहीं होता है, उनके प्रवास की व्यवस्था और उनके शिक्षण की व्यवस्था भी बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती है। अभियान तो लगातार जारी रहता है, लगातार हम लोग अभियान चलाए रहते हैं, तो अभियान हमारा लगातार जारी है।